Hi everyone, welcome to I Just React and Review. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And this video is the part 2 of the MEA album listening, Malum Hai Na. And if you have not checked the part 1, I will link that in the description box for you to see. In that, I had reacted to half of the album and aaj main the second half, like the remaining songs of the album, I will react to that. So last time, maine react kiya tha Always On Top Tak. Now today's reaction will have Gum Ko Vata, Hai Tu Kaun. I've already reacted to the video, so I'll not of course react to it again. Then Bantai Ki Public, Kyu Jaane De, Aisa Kuch Short Nahi Hai Remix, Believe and Jawab De. Already main react kar chuki thi jab ye video aaya tha. So these are the songs that I am going to be, you know, listening to today, starting with Gum Ko Vata. Now iska वीडियो नहीं है. आई थिंक दी ओनली सॉन्ग विच हैज़ अ वीडियो इज बंटाई की पब्लिक. लेट मी जस्ट चेक इट वंस अगेन. येस, दैट्स द ओनली सॉन्ग जिसका अभी वीडियो है. एंड एट द एंड आई नो फ्रीवर्स फीस्ट 2 का यू नो वीडियो आ गया है. आई विल वॉच दैट ऑल्सो, बट फर्स्ट आई वॉन्ट लिसन टू दिस एल्बम, लाइक द रिमेनिंग सॉन्ग्स ऑफ द एल्बम, एंड देन एट द एंड आई विल वॉच द वीडियो फॉर फ्रीवर्स 2. तो मैं एनी वे सारे रिएक्शंस के टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन ईदर वॉच दिस एट वन गो और यू कैन गो टू योर प्रेफरेंशियल सॉन्ग रिएक्शन. सो येस, लेट अस बिगिन विद गम को वटा. ऑल राइट, शुरू करते हैं. और इसका प्रोड्यूसर कोई और है, रैनी बीट्स. आई लाइक द स्टार्टिंग. क्या ऐसा तुम लोगों को भी लगाया गया कि शुरुआत में सब एक नंबर है ना यार, यही छह एक नंबर सब सही बात में ना, समय के साथ चीजें बदल जाती है और याद रह जाती बाबा. सब लगे अच्छा शुरुआत में, सब कुछ चीजें बदल जाती है बाद में. अब वो मजा नहीं हर बात में, बस यादें रह जाती है साथ में. These are the kind of songs I actually vibe with. I love this tempo. नहीं किसकी सलाह, ये है मेरी कला, सब रखा मैंने, जवाब मुझे सबका मिला और जो भी चीजें बाकी हैं उसका भी मिल जाएगा. कल के चिंता में आज को क्यों करूं खराब, देवदास नहीं हाथों में ना होगा शराब, जवानी में हासिल जिंदगी भर बेटा नवाब, मेहनत नहीं जाएगी पानी में, सब हो रहा हिसाब. सब लगे अच्छा शुरुआत में, सब कुछ चीजें बदल जाती है बाद में. अब वो मजा नहीं हर बात में, बस यादें रह जाती है साथ में. बदलेगा कल बदले लाइफ बेटा, फटाक से चले गए खास फिर भी लाइफ बेटा झकास है. शुक्रिया अदा करूँ जो आज मेरे पास है, पूछ मुझे मैं कहाँ से आएला, खुद चल के आने का कोई रास्ता नहीं दिखाएगा, खोड़ा घोड़ा खाएगा सोच तेरा, देखो सोच को रोक, धोखा देके जाते जो भी रहते क्लोज. अपना क्लोज मैं पूरा करने निकला मेरा सपना रोज, मैं ना पूरा करना चाहा किसका सच में दोस्त, हाँ आगे चला गया मेरे खुल गए दोस्त.
हमें आगे चला गया मेरे खुले रोज। ओह फिनिश, दिस वाज क्वाइट अ शॉर्ट सॉन्ग। मतलब ठीक है, 3-3 मिनट का तो जनरली गाना होता है, बट आई दिस इज द काइंड ऑफ बीट साउंड दैट आई रियली वाइब विद। सो फॉर मी आई लव दिस सॉन्ग, फॉर मी आई लव दिस सॉन्ग, इवन दो लाइक इसमें जो इमोशन उसने कन्वे करना चाहा, आई लाइक दैट। इट्स अ वेरी मेलो सॉन्ग, द बीट्स आर वेरी मेलो, हिज वॉइस ऑल्सो इज लाइक there is this sad undertone to his voice which I liked. My god, this is the first video of the day that I'm actually sitting to record, and aisa gana pehla, matlab pehla gana hi aaj ka maine ye suna. Anyway, that's why I've kept previous piece to video at the last. So but the point is that this song, firstly the let's talk about the guitar, starting that was produced. Let me just once again tell the name of this producer, Raini Beats. So ye jo in starting mein ye jo guitar wala beat aaya, I really like that. It completely sets the mood, sets the tone. Matlab gana shuru hone se pehle main bhi ye soch rahi thi ki shayad koi bhari gana ya emotional gana hai. So which is true. And इसमें ऑफ कोर्स देर आर रियली लाइक नो मेटाफर्स एंड ऑल, मतलब वो जो है तू कौन वाला जो उसने उसमें बोला था ना कि आई डोंट केयर अबाउट मेटाफर्स एंड बार्स एंड स्टफ लाइक दैट, हाँ बट पॉइंट इज कि जो उसे मैसेज देना होता है गाने से वो उसने दे दिया. सो दिस इज अनदर साइड ऑफ हिम वेयर ही इज सेइंग दैट भाई ठीक है, वी आर म्यूजिशियंस, वी आर आर्टिस्ट, हमारा काम है टेक्निकली तो गाने प्रोड्यूस करना, बट जब वो एंडिंग वाला जो लाइन था कि मैं तो आगे निकल गया तो मेरे खुल गए डोर्स, सो वंस दैट हैपन्स बिकॉज ही कम्स फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड एंड देन नाउ ही इज गेटिंग सो मच रिकग्निशन, अपनी मेहनत से आया वो आगे इंडस्ट्री में, अपना नाम एक बनाया, अपनी एक स्टैंडिंग बनाई, मेड हिज फुटिंग देयर, सो ऑब्वियसली ही हैज ओपन डोर्स फॉर हिमसेल्फ. मे बी जो उस टाइम पे उसके क्लोज एड्स थे शायद कुछ है उनके साथ, खड़े है, स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, देयर सपोर्टिंग हिम, एंड अदर्स मे हैव जस्ट लेफ्ट हिज साइड थिंकिंग दैट ओके ये तो बहुत आगे निकल गया, दे कुड बी जेलस और दे प्रॉब्ली डोंट कनेक्ट विद हिम एनीमोर, बट पॉइंट इज दैट चेंजेस हैपन इन लाइफ, राइट? सो अगर वही होता है ना कि कोई आपके सर्कल में बहुत ही आगे निकल जाता है तो इधर यू एम्पथाइज विद दैट पर्सन कि नो यस यू डिजर्व इट, और यू फील जेलस, ये तो फैक्ट है, ये दोनों ये ईदर ऑफ द टू थिंग्स विल हैपन, राइट? कि आप देख के इंस्पिरेशन लोगे या तो आपको जेलसी हो जाएगी. सो ही हैज सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेस बोथ द साइड्स ओवर हियर विच आई लाइक्ड, एंड ओवरऑल मुझे गाने का वाइब बहुत पसंद है. दीज आर द काइंड ऑफ स्लो मिड टेम्पो बीट्स दैट आई जनरली इंजॉय, जनरली लिसन टू, चाहे वो मतलब वो कोई भी जॉनर हो. ये तो हिप हॉप जॉनर है, मतलब पॉप में भी ऐसा कुछ नहीं कि फास्ट बीट्स वाले या नाइस टेम्पो सॉन्ग्स आई डोंट लिसन टू, बट इफ आई ओपन अप माई प्ले लिस्ट एंड ऑल यू विल सी मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स दैट आर देयर इन एनी जॉनर बेसिकली, चाहे वो इवन क्लासिकल भी हो या हिप हॉप हो, पॉप हो, रॉक हो, कुछ भी हो, आई विल ऑलवेज इट विल बी मोस्टली द स्लो एंड मिड टेम्पो सॉन्ग. सो दिस इज a song which I actually really liked. I really really liked it. So yes, that was the reaction for Gum Ko Vata. Really nice song. I think probably would be one of my picks from this album, personal picks. Chalo baki sare gaane sunte. So now Hai Tu Kaun ka already maine reaction kar diya hai, that is the next track. I'm going to be moving on to Bantai Ki Public and iska hai video available. Let me just open the video. Yes, Bantai Ki Public. So this came 4 months back. It's a video. So this is a maybe a song he probably wrote for the fandom. Huh? That's what it feels like. Let's listen to it. Maybe he's thanking the fandom. Let's see.
बंटा है मालूम है ना। क्या बोलते क्या चल रहा है, कोई नहीं दिखती है क्या? करो यहाँ बंटाई की पब्लिक के बारे में बोलना, चल बेटा छोड़ना, ज्यादा नहीं बोलना, अल्टर है इतने कि किसको भी बोल देते हैं बेटा तोड़ना। बंद करो यहाँ बंटाई की पब्लिक के बारे में बोलना, चल बेटा छोड़ना, ज्यादा नहीं बोलना, अल्टर है इतने कि किसको भी बोल देते हैं बेटा तोड़ना। छोटी नहीं बड़ी बात कर, मिलियन के ऊपर है डील तो याद कर, वैल्यू संभाला मैं अपना, क्या करूँ गया हूँ मेरे बाप पर, काम करा मेरे रात भर, बन गया म्यूजिक का डॉक्टर, सारे जॉनर के गाने यहाँ मिलेंगे, ये सारे बच्चा ने बात मेरी लॉक कर, अपन यहाँ बैठे ले टॉप पर, दिल ने बोला के हिप हॉप कर, किक करा सालों को, सालों से लग रेला मुझको, मैं खेलेला सॉक कर, करता हूँ स्लो रैप पर, कभी कभी करना पड़ता मुझे चॉपर, तेरा भाई स्लॉटर, लाइफ मेरी ट्रांसपेरेंट जैसे मैं वाटर, करते नहीं फॉलो पर, जानता हूँ कौन कौन है मेरे स्टॉक कर। बंद करो यहाँ बंटाई की पब्लिक के बारे में बोलना, चल बेटा छोड़ना, ज्यादा नहीं बोलना, अल्टर है इतने कि किसको भी बोल देते हैं बेटा तोड़ना। बंद करो यहाँ बंटाई की पब्लिक के बारे में बोलना, चल बेटा छोड़ना, ज्यादा नहीं बोलना, अल्टर है इतने कि किसको भी बोल देते हैं बेटा। बच्चों के रेस में नहीं आई ड्रीम बिगा, हरामे साले ये जैसे ये लिख, खाते में मेरे हैं ओनली बिग फिगर, ये करना चाहते हैं मुझे फोकट में ट्रिगर, चाहिए बुझेगा अकेले मचाने, मुझसे भिड़ेगा तो कौन आएगा बचाने, बचाएंगे बच जाके दुनिया को नचाने लगा, मैं जलने लगी है अब सब लोग की, मैं मेरे भाई लोग सब लोग की फाड़ रहे, सब लोग की क्या करे फेमस है इतने, मुझे देख के दाढ़ी बढ़ा रहे छिकने, क्या लगे लिखने उनके अब्बा को मालूम, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल व्हाट इज योर प्रॉब्लम, मेरे बारे में बेटे को क्या मालूम, लिखने पे आता तो सीधा पोस्टमार्टम, ऑलवेज ऑन टॉप वी स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। बंद करो यहाँ बंटाई की पब्लिक के बारे में बोलना, चल बेटा छोड़ना, ज्यादा नहीं बोलना, अल्टर है इतने कि किसको भी बोल देते हैं बेटा तोड़ना। बंद करो यहाँ बंटाई की पब्लिक के बारे में बोलना, चल बेटा छोड़ना, ज्यादा नहीं बोलना, अल्टर है इतने कि किसको भी बोल देते हैं बेटा तोड़ना। पीछे पे टेक वेकेशन, आई नीड सम स्टैंडिंग ओवेशन, cuz I have a lot of patience, feeling like Drake, I know what's my placement, started from basement, but for no payment, see now we famous, bitch keep hitting, we keep making money and hits, smoked up, fucked up, you know we late, but yes I'm fit, I walk out too, I want some time with the fuck I should, go and chill. Cause everybody knows me grateful, I never force me for anything, I learn everything, DIY music and video editing, lyrics are medicine, you are embarrassing, I don't wanna talk to you fools, lighting up the sea like Thomas Edison. Bend karo yahan bandai ki public ke bare mein bolna, chal beta chhodna, zyada nahi bolna, alter hai itne ki kisko bhi bol dete hai beta todna. Bend karo yahan bandai ki public ke bare mein bolna, chal beta chhodna, zyada nahi bolna, alter hai itne ki kisko bhi bol dete hai beta todna. Bandai ki public bole to taki. That menacing laugh at the end. सोच समझ के बोलना. Peace out. Wow. छोटा गाना था but impactful. One thing which I really stood out for me, which he said and I agree to, is that you know if you look at my discography, आपको हर genre का गाना मिलेगा. So there is something there in store for every kind of music lover if they go through my discography, which I feel is true just looking at this album only. अभी तो कुछ और गाने बचे हैं, but I think ये मैंने part one में भी बोला था कि जो मैंने variety सुना गाने का, it's not like कि एक ही type of music lover के लिए ये album बनाया है. There is a mix of everything. कि अगर किसी को बहुत ही hardcore hip hop चाहिए वो भी है, किसी को मेलोडिक रैप चाहिए वो भी है, इमोशनल सॉन्ग चाहिए वो भी है, थोड़ा सा यू नो कमर्शियल बीट वाला सॉन्ग चाहिए वो भी है. सो दैट्स व्हाई आई सेड जैसे गाने जैसे चलते फिरते हैं मचाएंगे थ्री, दे आर नॉट रियली माय जैम, मैं इतना नहीं सुनूंगी वो गाने, बट समथिंग लाइक मोमा फ्रॉम द सेम एल्बम इज वॉट आई विल लिसन टू, समथिंग लाइक फीवर्स फीस्ट टू इज वॉट आई विल लिसन टू. सो बेसिकली देर इज समथिंग फॉर एवरीथिंग. किसी को हो सकता है शायद मामा टाइप का गाना पसंद नहीं है, या गम को वटा पसंद नहीं, बट उनको चलते फिरते पसंद आ जाएगा, या फ्री वर्स टू बहुत पसंद आ जाएगा. सो आई थिंक यू नो ही हैज़ पुट आउट दिस एल्बम विद दिस इंटेंशन कि भाई शायद ये 14 के 14 गाने सबको नहीं पसंद आएंगे, बट एक आध तो पीपल विल डेफिनेटली कनेक्ट टू, रिलेट टू एंड जैम विद. So that's what is unique about his album over here. So that's, I mean, he knows it. And, you know, this again, talking about, you know, name dropping, firstly, to his fandom name, Bantai Ki Public, okay? And they said, ke, you know, of course, because I know the amount of hate backlash he gets along with the fandom. Matlab, usko to milta hi hai backlash, but फैंडम को भी मिलता है. एंड आई थिंक दिस गोज़ विद एवरी आर्टिस्ट की अगर आप किसी आर्टिस्ट को यू नो
पसंद नहीं करते तो आप उनकी फैंडम को भी ऑटोमेटिकली नापसंद करना स्टार्ट कर देते हो. सो आई मीन दिस ऑल हैपन्स. फैन वॉर्स इज समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन, नॉट जस्ट इन हिप हॉप, आई हैव सीन इट इन पॉप, रॉक, इट्स एवरी इन मूवीज. बॉलीवुड में हम कितना देखते हैं कि देयर आर सो मेनी फैन वॉर्स की एक एक्टर के फैंस दूसरे एक्टर के फैंस को बैश करते हैं. सो दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कॉमन दैट वी सी. सो फर्स्टली ही इज़ टेकिंग अ स्टैंड फॉर हिज फैंस. That's great, which as he should, because उनके fans ने ही उनको इस position में लाया है, all the love and support that the listeners and audiences gave him. So that's really nice that he has sort of, you know, stood up for his fans. And then he again talks about himself, his journey. He is self-elevating himself. He is saying कि भाई, I value myself. इस गाने का जो underlying theme है, he's saying that I value myself enough to know what my worth is. ठीक है, haters can do whatever the hell they want because they are going to hate. And आप किस किस का मुंह बंद करवाओगे, आप नहीं करवा सकते. That goes for any musical artist or a celebrity or whatever, जो भी public figure है basically. So, but he says कि I am very self-aware, I am very self-assured and I am very secure from where I am. तो ऑल दीज थिंग्स आर रियली नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी. तो आपको जो बोलना है आप बोलते रहो बेसिकली. सो दैट्स द अंडरलाइंग थीम. एंड आई लाइक व्हेन एनी आर्टिस्ट टेक्निकली इज प्रिटी सिक्योर्ड. एंड क्योंकि एक बार आप पब्लिक आई में आ गए और आप जब बहुत एक लेवल ऑफ सक्सेस पा लेते हो, सो देर आर ऑलवेज पीपल हु आर नॉट गोइंग टू लाइक यू. यू कांट बी प्लीजिंग एवरीबडी. हर आपके चाहने वालों के साथ आपके ना चाहने वाले भी होंगे. सो overall a very, still this song I would say is made in a very very positive sense, which I like. I mean yahan pe he's not getting downright, it doesn't feel that oh he's being too arrogant with himself ki haan bhai main hi sab kuch hu. No, it's not that. He's sort of saying ki I am very secured and I have my self respect intact. So that's the feeling you get, which is, you know, it's a really good balance that he created over here. So yes, well done. Would this be a song that I really vibe with? Maybe no. Mujhe, I would still, between this, I would, you know, is gaane se zyada I would probably prefer, my pick would be Maloom Hai Na, the intro track. That is still a track that I would jam to more than this one. So, but do let me know what are your thoughts on this song. And I will be moving on to the next track now. Which is क्यों जाने दे. Now क्यों जाने दे and then all the other tracks, believe, ऐसा कुछ short नहीं. इन तीनों का तो मैं official audio सुनूंगी because there is no video for this. So let's react to क्यों जाने दे. All right. ये भी meme. So meme machine has been like majority of the tracks he has only produced. Okay, let's begin. Kyun jaane de? Okay. मैं खुश हूँ अम्मी अब्बा को वो जगह पे लाया जहाँ पे रहने के हम ख्वाब देखे, वक्त निकाला घर सजाया. गाड़ी सोना मतलब ये नहीं है कि आप अपनों को भूल जाओ, दुनिया के सामने खुल जाओ, दूसरों की करे बुराई खुद की उलझने सुलझाओ. बताओ वटाओ नहीं बता पाएंगे, कटाओ टिकट और बचाओ, मेरे से खुद को मताओ, मेरे से बिन्ने पकाओ, लगते हैं साले चिर कुट. I just want to run that back again. एक आध lines मैंने miss कर दी. I just want to listen to it. Once again, I love the beat. The beginning is so beautiful. अम्मी अब्बा को वो जगह पे लाया जहाँ पे रहने के हम ख्वाब देखे, वक्त निकाला घर सजाया. गाड़ी सोना मतलब ये नहीं है कि आप अपनों को भूल जाओ, दुनिया के सामने खुल जाओ, दूसरों की करे बुराई खुद की उलझने सुलझाओ. बताओ वटाओ नहीं बता पाएंगे, कटाओ टिकट और बचाओ, मेरे से खुद को मताओ, मेरे से बिन्ने पकाओ, लगते हैं साले चिर कुट. अगर किसी की बात बुरी लगी तो बोल सबके सामने, सच बोलो सच, यहाँ बोला नकली लोग आए पहचानने में.
अगर किसी की बात बुरी लगी तो बोल सबके सामने, सच बोलो सच, यहाँ बोला नकली लोग आए पहचान ने दिया खुद को गलत रास्ते में, रास्ते में हिप हॉप को चुना रैपर्स को खाता में, नाश्ते में फासले में रहने लगा लोगों से, इनके कार्टून जैसे हरकतें ये दिखने चाहिए पोगो पे, क्यों रुकूं मैं, मेरे अंदर था जिसके लिए भड़ास, बैडास बन जाता नहीं फर्क अगर तू है नाराज, महाराज बन के बैठा हूं नहीं आता मैं कभी राज, काफी फास्ट सक्सेस मिला मुझे बोलते साले लॉस्ट, स्लिप पे ना बॉस खुद को मेंटेन करे ऐसा डिग्निटी है पहला उसके बाद आता पैसा, तू कैसा तेरी नियत बता देगी वेला घूमता रहेगा तो आइटम भी बजा देगी, सोचे किस्मत क्यों नहीं साथ देती, माँ बाप का रख ख्याल फिर दुनिया भी साथ देगी, अगर किसी की बात बुरी लगी तो बोल सबके सामने, सच बोलो सच, यहाँ बोला नकली लोग आए पहचानने में, अगर किसी की बात बुरी लगी तो बोल सबके सामने, सच बोलो सच, यहाँ बोला नकली लोग आए पहचान जो भी कहने पता लिख देता मैं गाने में, गाने में पीठ पीछे बातचीत मैं नहीं करता जाने दे, ये सब नहीं सिखाया मेरे माने में, गलतियाँ हो जाती है हाँ लोगों से अनजाने में, पर जाने दे फिर से ना दोहराना, सोचता नहीं मौका टुकराना, क्योंकि खुददारी तो बचपन से खून में, बचपन में स्कूल का सबसे शांत बच्चा था, सबसे शांत बच्चा आज दुनिया को नचा था, मन चाहता वो किया जो किया 100% दिया, सबको बता दिया सबको बता दिया, कितना हार्ड हूं मैं, चढ़ना मुश्किल है मुझ पे हाँ जैसे एवरेस्ट का पहाड़ हूं मैं, सीधा खड़े जगह गाड़ दूं मैं, गड़े मुर्दे उखाड़ दूं मैं, मेरे को बुरा लगेगा तो ऐसे कैसे जान दूं मैं, जाने दे, अगर किसी की बात बुरी लगी तो बोल सबके सामने, जाने दे, सच बोलो सच, यहाँ बोला नकली लोग आए पहचानने में, जाने दे, अगर किसी की बात बुरी लगी तो बोल सबके सामने, जाने दे, सच बोलो सच, यहाँ बोला नकली लोग आए पहचानने में। Oh, this is like a fade out of the song. Okay. I don't know how I feel about that. I mean, there's no definitive like ending to the song. Okay, no problem. I probably have mixed feelings for that. Okay. Once again, this song about him. And I really liked in the entire album, so many places he has thanked his parents. That's what I've seen in so many of his songs, that he really, really thanks, you know, his parents for giving him the support and love. And he always tells them ki bhai unki wajah se hi main aaj jahan pe hu. And at the starting mein bol raha tha ki pehle jahan pe hum rehne ka sapna dekhte the, aaj wahi wala ghar le liya hai, naam saja raha. That's really nice ki jahan pe main mom dad mein sochta tha ki mom dad ko, you know, main aisa ghar dilaunga and all of that. So that dream has come true. And you know, the those couple of lines where he is saying ki pehle to अपने, यू नो, अगर तुमको लगता है कि क्यों तुम्हें सक्सेस नहीं मिल रहा, ये वो, एंड यूर क्रिबिंग एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो वॉट, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस. दैट वॉज अ रियली नाइस मैसेज. अगेन ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ द सॉन्ग टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, कि अगेन उसका, उसके जो दी हेटर्स है, जो उसके बारे में ट्रैश टॉक करते हैं, बेसिकली जो भी उसको जो भी उसके काम को ना बोलते हैं कि भाई यू आर नॉट अ रियल रैपर और अ रियल म्यूजिकल आर्टिस्ट, दिस एंड दैट, जो भी बेसिकली उसको सुनना पड़ता है, ही इज अगेन सेइंग दैट कि भाई तुम बोलो, बट अगर तुमने बहुत ज़्यादा, यू नो, हर्ट किया या कुछ बहुत ज़्यादा उंगली की, तो आई एम नॉट लेटिंग इट गो, बिकॉज आई फील एनीवे एज एन आर्टिस्ट, जितना मैंने देखा है, सुना है, समझा है, I don't think he actively, you know, goes out and trash talks. And he is not really into the, you know, he is not really very social person. He social media mein aake, I have not seen him regularly, you know, come to the spotlight. Tell me if I'm wrong. I could be wrong because main to abhi janne ka start kiya as a sare, you know, Indian hip hop artist ko. So I feel that he really is, actually he talks about, you know, he's an introvert guy and school mein sabse shant bachcha tha and ab ye shant bachcha sabko hona chahta hai and all of that. So I also feel that he is pretty introvert overall in his nature. He just doesn't like to be in the limelight as much. I mean, I'm sure he likes it, but not as much. He prefers to be with his inner circle and
अपना काम करता है एंड जस्ट यू नो अपना म्यूजिक बनाता है. That's it. No complication, no extra complications that he will actively seek out. That's what I feel. You know, you guys can have a, if I'm somewhere wrong, please let me know in the comments. But he is also saying in a way that, you know, this song is somewhat like, even if I let go of a lot of things, don't think that I will not retaliate back. You know, he's talking about his life and all, but he's also sort of like giving a warning where he's saying ki matlab agar bahut zyada matlab if you cross a line then I'm not letting it go, then I'm going to, like, I am very capable of giving it back to you, you know, giving a response, but don't mess around unnecessarily. So that was the running theme of the song. I actually like the song, but what I did not like is the abrupt way it ended. I don't know, like, because even if the song is ending with a fade out, for me wo fade out thoda sa agar, you know, gradual ho to samajh aata hai. Yahan pe fade out bahut jaldi ho gaya गाना, तो मुझे गाने के साथ ऐसा लगा कि बहुत अब्रप्टली गाना एंड हो गया और अधूरा सा मुझे लगा, बिकॉज इट डिडंट हैव लाइक अ प्रॉपर एंडिंग ऑफ सॉर्ट्स. दैट्स जस्ट माय ओपिनियन. डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, बिकॉज कंसिडरिंग इट इज मीम मशीन, आई मीन जितने भी मैंने अभी तक उसके बीट सुने हैं, आई फील ही इज अ रियली गुड प्रोड्यूसर, बट आई थिंक फॉर दिस पर्टिकुलर सॉन्ग द वे इट सॉर्ट ऑफ एंडेड थोड़ा मुझे अब्रप्ट लगा. Either the fade out should have been a little bit gradual, तो मैं हाँ चलो गाना खत्म हो रहा है, हो गया. Or, you know, have like a definitive, like, end the beat somewhere. But this was somewhere in between, which I sort of, you know, have mixed feelings on. That is something I don't prefer in a song. So yes, that was the reaction to क्यों जाने दे. I think अब तक का मेरा pick तो गम को वटा ही है. That's the song that out of, अभी तीन ही सुना है आउट, बट अभी कितने दो और बचे हैं. बट आई थिंक गम को वटा इज डेफिनेटली, एटलीस्ट फॉर दिस, आउट ऑफ दीज थ्री सॉन्ग्स, गम को वटा इज डेफिनेटली माई पिक. ओके, सो वी विल नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ वन, विच इज अ रीमिक्स. तो ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है, इज अ रीमिक्स ऑफ कोर्स हिज ओल्ड सॉन्ग. तो मुझे नहीं पता ओरिजिनल कैसा है सुनने में, सो आई हैव नथिंग टू लाइक बेसिकली कंपेयर इट टू, सो आई एम जस्ट गोना लिसन टू द सॉन्ग एंड सी हाउ इट इज. ओके, let us begin. So this is also by Meme Machine. The beginnings of the song by Meme Machine is so good, man. उधर पप्पा बोले बेटा जब परीक्षा में ध्यान दे, बट बेटा क्या कर रहा था, प्रतीक्षा को रिक्शा में दे रहा था शिक्षा, लेकिन आज प्रतीक्षा किसी और से ले रही है शिक्षा, तू उसके चक्कर में चला रहा है रिक्शा. कोई कम नहीं, कोई काम छोटा नहीं, मेहनत कर लाला, आसमान में रोता रे खुशियाँ बरसाता है, तू क्यों घबराता है, तू भी बरसेगा, इस दुनिया के लोग बेटा मिलने तरसेगा, ऐसा काम कर सामने वाला आना चाहिए बेटा अपने दाम पर, अपन अपने दाम पर, क्योंकि अल्लाह है राजी, बाजी करे भाई तेरा जीत रे लाबाजी, आज शौके नवाबी हुआ फेल बाराबी पर हुआ लाइफ. I am liking this beat. I don't know original कितना ही different है, या उसका tempo अलग है, या beat कुछ और है, beat कुछ और ही होगा obviously, but this beat, I am actually liking, specifically this violin वाला part, I'm liking that. And this is again a very, I mean, in terms of song, I feel this is much more on the chill side. मतलब तो hard hitting नहीं है. ऐसा कुछ शॉट नहीं है, तेरी अगली मेरी, ऐसा कुछ
कुछ शॉर्ट नहीं है। लाइफ बदला, एरिया बदला, फिर भी 37 नवा बिल्डिंग पॉश, फिर भी पूरा आता है वेन एरिया एंड टॉप फेस, सबको मालूम सेक्टर अपना 7, सब जानते सब मानते हैं लाइफ अपन जी रहे, जीड़े 1 से क्या भाई तेरा रियल है, कोई भी नहीं नियर है, सब बन रहे ले फेल दे रहे, खुद कैसा है पहले खुद को तो देख, मैं तो करता था ठेक पे जाम, दिल्ली था मैं मेरा ठेक का नाम, पब्लिक इज्जत नहीं देती थी माम, कितना बड़ा कर डाला है मुझे मेरा काम, मालिक को रख दिल में लोगों को सलाम, खुद को है मालूम तुझे बेटा क्या है तेरा दाम, तो सस्ते में काम कहीं को करने का माम, सिर्फ 7 घंटे नींद और 17 घंटे काम, अपन खतरा बन के माम खड़े रैप सीन में, ये पुराने चावल लोग सोच रहे क्या सीन है, क्या सीन है, ऐसा कुछ शॉट नहीं है, सारे रापस मुझसे भारी, ऐसा कुछ शॉट नहीं है, जिंदगी तंगी में, ऐसा कुछ शॉट नहीं है, तेरी अगली मेरी, ऐसा कुछ शॉट नहीं है, बात पे कहूँ मैं, ऐसा कुछ शॉट नहीं है, सारे रापस मुझसे भारी, ऐसा कुछ शॉट नहीं है, जिंदगी तंगी में, ऐसा कुछ शॉट नहीं है, तेरी अगली मेरी, ऐसा कुछ शॉट नहीं है, जीता था रास्ते पे रफ लाइफ एक नंबर, सड़कों पे अपन भी थक लाइफ, लेकिन क्या कल आई हसल किया, किसी का ना नकल किया, पहले से हो गया अलग लाइफ सब नाइस, जेब में जब खर्ची क्या बोलते बच्ची, पढ़ुआ में पर्ची हिसाब मेरे, अपन जिंदगी जैसे के रे तू किताब मेरे, पीताम्बर है गस के पिता कॉपर में पानी, साथ देना साथ नहीं चाहिए मेहरबानी, फटे मजे चालू लाइफ में मैं जी रेला जवानी, मेरे हंसी पे मजा सीधा खाता में कहानी, रैपर सीख रहे ले मुझसे हाँ भाई तेरा ज्ञानी, चल ज्ञान ले दूसरे का छोड़ खुद पे ध्यान दे, मन बोला वीडियो में भाड़े पे खुद से भी मान ले, पैसा कमा ज्ञान दे, इंटरनेट में पढ़े ली सालों के रहते खर्चे के बांधे, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है। ओके, दिस वाज काइंड ऑफ कूल, दिस वाज काइंड ऑफ कूल, आई लाइक दैट। पहली बात तो दिस बीट वाज इनसेन, स्पेसिफिकली वो जो वो वायलिन था वो उसको पूरा एक अलग ही वाइब दे रहा था, बट अगेन आई लाइक दैट हाउ यू नो समथिंग अबाउट एनीवे व्हिच आई लाइक हाउ सिक्योर दिस गाय इज, ही इज लाइक मैं अपना काम करता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, गेट लॉस्ट मैन, गेट लॉस्ट, आई लाइक दैट एटीट्यूड, आई रियली लाइक दैट एटीट्यूड, एंड आई फील विद हिज सॉन्ग्स, आई डोंट नो व्हाई आई गेट दिस वाइब विद एनीवे, कि ओवरऑल आई फील ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, मतलब दिल से वो बहुत ही पॉजिटिव है, ही ट्राइज टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, मतलब वो होता है ना ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल, वो ये मुझे लगता है ऐसा टाइप का बंदा है जो विल सी द ग्लास एज हाफ फुल, एंड अनदर थिंग विच आई अगेन लाइक दिस दैट ही टॉक्ड अबाउट हिज हम्बल बिगिनिंग्स, कि कहाँ से वो आया, एंड इवन दो ही हैज़ अचीव्ड सो मेनी थिंग्स, ही हैज़ केप्ट हिज फीट ऑन द ग्राउंड, अगेन ही हैज़ टॉक्ड अबाउट दैट, which I feel is that usually goes into the running theme of so many hip-hop songs that I've listened to, ki jahan pe log kahan se wo aa rahe hai, kya unhone hustle kiya hai, is bare mein baat karte hi karte hai, which karna bhi chahiye, theek hai, unka khud ka gana hai, wo apne bare mein bata rahe hai, apni life ke bare mein bata rahe hai, and that is what I like about hip-hop generally is that artist apne bare mein baat karte hai, and artist chahte hai ki unki story पब्लिक को पता चले, उनकी स्टोरी क्या थी, एंड पब्लिक कैन यू नो एनी बडी हु कैन एटलीस्ट दे फील, आई फील दैट जब आर्टिस्ट अपने बारे में एक यू नो एक ट्रांसपेरेंसी दिखा के बात करते हैं, एंड ये हिप हॉप में ही मैंने देखा है, यूजुअली हिप हॉप सॉन्ग्स आर ओनली द मोस्ट रूटेड रॉ एंड रियल, वेयर पीपल द आर्टिस्ट टॉक्स अबाउट देम सेल्व देयर लाइव्स द रियलिटीज, ज़रूरी नहीं कि अपनी लाइफ के बारे में बात करें, बहुत सारे ऐसे हिप हॉप सॉन्ग होते हैं जो सोशल इशूज़ के बारे में बात करते हैं, सो मैनी थिंग्स, सो दैट्स वाई आई थिंक आई हैव टेकन अ ह्यूज फैसिनेशन टू दिस पर्टिकुलर जॉनर, लाइक आई एम कम्प्लीटली गोइंग थ्रू अ हिप हॉप फेज राइट नाउ, बिकॉज एंड स्पेसिफिकली इट हैज़ टू डू बिकॉज ऑफ हाउ रियल इट इज़ एंड हाउ रॉ इट इज़, सो आई फील जब आर्टिस्ट बताते हैं अपने बारे में, एटलीस्ट समबडी हु इज़ लिसनिंग, एक या दो इंसान या 100 लोग, इवन चाहे वो बड़ी ऑडियंस हो या छोटी ऑडियंस हो, कोई ना कोई कनेक्ट करके एक इंस्पिरेशन ले सकता है कि भाई नहीं भाई उसने ऐसा किया तो एटलीस्ट इन माय लाइफ आई कैन जस्ट टेक सम मोटिवेशन फ्रॉम दिस पर्सन एंड डू बेटर, एंड आई फील एनीवे आई गेट वेरी मच पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम दिस गाय बिकॉज ही ये अपने काम से काम मतलब रखता है, विच आई रियली लाइक, एंड दिस अगेन बिकॉज आई रियली लाइक पीपल who are very much secure in themselves,
लाइक दे आर प्रिटी सिक्योर एंड चाहे उन्हें जितना भी हेट वगैरह मिला है दे आर प्रिटी मच सिक्योर्ड कि हाँ भाई तुम दो हेट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आई एम जस्ट गोना डू माई थिंग आई एम जस्ट गोना यू नो इन्जॉय माई वर्क एंड डू माई थिंग सो that's what I liked and again about the beat like I said I liked how beautifully it was sort of blended to the song this is the kind of song that I would vibe with generally so I personally liked it do let me know what are your thoughts on this song and again once again Meme Machine did a good job wait now I think there is one more song left And this song, can I just say one more thing about this song? अच्छा last गाने believe और उसके बाद मैं three verse two में करूँगी. Okay. ये गाना ऐसा कुछ short नहीं है. ये इस तरह से mix किया है. The way it has been this particular song, I don't know how the original sounds. Is that I can totally imagine जब ये गाना बज रहा था ना मैं imagine कर रही थी anyway stage पे है. And this is like an encore. जब वो कुछ बोलेगा ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है लाइक द पब्लिक इज गोइंग टू स्क्रीम एंड शाउट दिस पर्टिकुलर लाइन सो दिस इज अ सॉन्ग विच विल वर्क सो वेल लाइव मतलब आई फील आउट ऑफ ऑल द सॉन्ग्स आई मीन सारे गाने तो लाइव ऑफकोर्स अच्छे ही लगते हैं सुनने में बट आई फील ये वाला जो गाना है ना पर्टिकुलरली ये वाला गाना मतलब बहुत ज्यादा पीपल आर गोइंग टू स्क्रीम एंड शाउट दिस इज द सॉन्ग which will go so well in a live audience with the live audience that's what I felt while listening to this song so yes that was the reaction for aisa kuch short nahi hai remix and I'm going to be moving on to the second last song of this album believe iska bhi main official audio sunungi again produced by no this is not by Meme Machine this is by young taylor so this is a different producer and jawab de ka reaction maine already you know de diya tha jab jawab de ka video aaya tha so yes let us listen to believe and then I will watch the video for fever space 2 I'm really excited. I mean, I was wishing जब मैंने part one, you know, जब मैं record कर रही थी जब Fever Speech 2 सुना था I was like, भाई इसका video निकलेगा तो कितना सही रहेगा So, thank you anyway that you decided to, you know, make a video for Fever Speech 2. I'm really eager to check it out. Okay, let us listen to Believe. Taylor about the fucking flex. इसका वाइब पता है कैसा लग रहा है वो जो एक होता है ना वो गाने जो आप यू नो सुनते हो जो एक बहुत ही एक इंस्पिरेशन और पॉजिटिव वाइब देते हैं इट साउंड्स लाइक दैट लाइक एन ओएसटी सॉन्ग ऑफ घर पे था बैठा मैं आज पूरा दुनिया घूमू किसको पता था मैं ऐसा बनूंगा खुद को चूमू गाने लिखता हूँ रोज म्यूजिक में खुद को खोदू हिप हॉप मुझको बनाया कसर करना कैसे छोड़ू ढूंढा खुद को ओ माय गॉड दिस टोटली पुट्स अ स्माइल ऑन माय फेस गाइस आई एम गोना फिर से स्टार्ट करते हैं गाइस I told you, this sounds like, you know, the starting music, it sounds like wo jo positive vibe dete. This is like that inspirational ray of hope song. Yes, once again. Taylor about the fucking flex. घर पे था बैठा मैं आज पूरा दुनिया घूमू किसको पता था मैं ऐसा बनूंगा खुद को चूमू गाने लिखता हूँ रोज म्यूजिक में खुद को खोदू हिप हॉप मुझको बनाया कसर करना कैसे छोड़ू ढूंढा खुद को मैंने ढूंढा खुद को हार नहीं माना मैं ढूंढा खुद को मैंने ढूंढा खुद को पास नहीं आना ना छूना मुझको सपने को पूरा कर दे चला जाएगा जितना भी दर्द है कितने तो है जो मुझे से है सड़ते दिखा काम बेटा दिखा दे करके नहीं ये नहीं करना है इनको तो सिर्फ
चमकाने का, कान पट्टी चेक करो फन गाने का, छोड़ म्यूजिक के जरिए से समझाने का। वो कहते कहने दो, टूटा था कुछ साल पहले। पड़ोसी कहते थे तू और तेरे दोस्त पहले, वही दो साथ अभी मेरे। अब जान दिया दुनिया हम कितने जगह फैले, चार कमरे में करते थे काम, कॉस्ट्यूम्स नहीं रहते थे हमें पहनने को, आज सीधा कार्ड स्वाइप बड़े ब्रांड्स में, दाम नहीं पूछते रहने दो। वो कहते कहने दो, कहते कहने दो, घर पे जा बैठा मैं आज पूरा दुनिया घूमू, किसको पता था मैं ऐसा बनूंगा खुद को चूमू, गाने लिखता हूँ रोज म्यूजिक में खुद को खोदू, हिप हॉप मुझको बनाया कसर करना कैसे छोड़ू, ढूंढा खुद को मैंने ढूंढा खुद को, हार नहीं माना मैं ढूंढा खुद को, ढूंढा खुद को मैंने ढूंढा खुद को, पास नहीं आना ना छूना मुझको, सपने को पूरा कर दे, चला जाएगा जितना भी दर्द है, कितने तो है जो मुझसे है सड़ते, दिखा काम बेटा दिखा दे करके। नाइस यस, ब्यूटिफुली डन। दिस इज हिम सेइंग दैट आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ, आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ, आई स्टिल बिलीव इन माई सेल्फ। वंस अगेन मैं वही बोल रही हूँ ना कि ये जो रनिंग थीम जो मैंने देखा ना, हिम एज एन आर्टिस्ट, ही हैज दिस सेल्फ अश्योरिटी, ही सो सिक्योर्ड, और वो उसे पता है कि भाई उसे पता है उसे हेट मिलता है, उसे सब पता है, उसे पता है, बट वो खुश है। ही इज जस्ट डूइंग हिज वर्क एंड इज जस्ट मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। Again, talking about how, you know, the hustle, where, जैसे बोल रहा था कि भाई पहले तो मेरे पास शूट करने के लिए कपड़े नहीं थे, हम लोग चार छोटे कमरे में, you know, ये करते थे, and मैं टूट चुका था कुछ साल पहले जब मेरे neighbors, you know, बोलते रहते थे, and then, now when I swipe the card, I don't even ask for the price, because, you know, I have earned it, I've earned the money, I've, you know, worked hard and I've earned the money, so, some people might say कि नहीं बहुत ज़्यादा फ्लैक्स कर रहा है, कर रहा है, ठीक है, कर तो रहा है, but I feel like I said he knows how to create that balance between, it doesn't sound arrogant to me honestly, और उसने बोला भी है भाई जिनको तो बोलना है जो बोल रहे हैं उनको बोलना, तो मैं खुश हूँ, and there is I like the use of autotune, I think इस album में जहाँ जहाँ भी autotune use हुआ है यहाँ पे बहुत, आई थिंक दिस इज़ द हैवीएस्ट इन दिस सॉन्ग, दिस इज़ द हैवीएस्ट यूज़ ऑफ ऑटोट्यून। आई थिंक मामा में भी कम हुआ था इससे, मामा में भी कम हुआ था, दिस इज़ मोर लाइक अ मेलोडी सॉन्ग एंड देर इज़ बीन यू नो यूज़ ऑफ ऑटोट्यून, बट आई थिंक इट वर्क्स फॉर मी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सॉन्ग एंड द इमोशन दैट ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे, फॉर मी इट वर्क्स। आप यू नो फॉर somebody who's will be like, जो एमिवे का सिर्फ रैप सुनना चाहता है वो बोलेगा कि भाई नहीं मुझे ये गाना सर्वाइव नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू इनिशियली कि ये जो एल्बम है ना, देर इज मतलब शायद आपको सारे गाने ना पसंद आए बट कुछ ना कुछ तो यू विल यू नो इट विल गेट क्लिक्ड विद यू, कुछ ना कुछ तो इट विल गेट क्लिक्ड विद यू, बिकॉज ही यू नो जब वो बोल रहा था ना बंटाई की पब्लिक में कि मेरा डिस्कोग्राफी देखोगे तो पूरा वेराइटी मिलेगा, आई थिंक दिस एल्बम इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द काइंड ऑफ सॉन्ग्स ही कैन डू, द वेराइटी दैट ही कैन गिव एंड ब्रिंग टू द टेबल बेसिकली इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। दैट्स व्हाट आई फील आई ओवरऑल रियली एंजॉयड द सॉन्ग, आई रियली एंजॉयड द सॉन्ग ऑनेस्टली, एंड लाइक आई सेड मैं ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं मैं ही बोल रही थी कि समटाइम्स व्हेन आर्टिस्ट टॉक्स अबाउट देमसेल्व्स समबडी कैन टेक एन इंस्पिरेशन, एंड ये गाना तो पूरा पूरा वैसा है, ये गाना तो पूरा पूरा वैसा है। दिस इज
ये इसमें वो बोल तो रहा है कि यू नो आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन माई सेल्फ, बट आई थिंक देयर इज समथिंग फॉर अस टू ऑल्सो टेक अवे फ्रॉम दिस सॉन्ग बिकॉज इट गिव्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव वाइब, इट गिव्स अ रे ऑफ होप एंड ओवरऑल दिस सॉन्ग जस्ट पुट अ स्माइल ऑन माई फेस एंड इफ अ सॉन्ग हैज मैनेज टू डू दैट यू नो दैट आई लाइक्ड इट. सो यू नो इट हैज इम्पैक्टेड मी इन अ सर्टन वे, इन अ पॉजिटिव वे. सो इफ अ सॉन्ग इज मैनेजिंग टू इन्वोक एन इमोशन इन साइड मी, जब एक गाना चाहे वो सैड सॉन्ग हो या यू नो हार्ड हिटिंग सॉन्ग हो जो भी कर या हैप्पी सॉन्ग हो, अगर एक गाना आपके अंदर एक इमोशन यू नो जगा सकता है, देन आई थिंक द सॉन्ग हैज डन इट्स जॉब. एंड फॉर मी आई थिंक बिलीव डिड द जॉब परफेक्टली. So yes, that brings me to the end of this, you know, album listening. Because Jawab Deka, already I told you that I have done this, I have done the reaction. And I really like Jawab De. Because for me, Jawab De, jab maine suna tha, I think maine My Time ke baad Jawab De suna tha. My Time ka reaction kya tha, uske kuch time baad hi Jawab De ka video release ho gaya tha. And I said before in part one only, ki My Time was my absolute favorite anyway song. जब तक मामा नहीं आया, बिकॉज राइट नाउ इट्स डेफिनेटली मामा. सो माई टाइम जब आया था उसके बाद जवाब दिया था, आई सेड ओ माई गॉड दिस इज सच अ डिफरेंट वाइब. एंड जवाब दे का वीडियो इज ऑल्सो सो ब्यूटिफुली डन विद ऑल द ड्रोन शॉट्स एंड एवरीथिंग. सो आई सेड यू नो वॉट दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट साइड ऑफ एनी वे दैट आई एम सीइंग. एंड सो तब मुझे, बिकॉज तब मुझे पता नहीं था कि एनी वे इज एक्चुअली यू नो has done music in different kind of genres. He has really experimented with his music. At that point of time, I did not know that. So Jawab De se then I understood ki nahi, matlab he is not the kind of artist jo ek hi type ka music karta hai. And as even though he identifies himself as a hip hop artist, but usme bhi he has really diversified himself as an artist. So that's great. And this is what exactly this album gave me. My top pick definitely from this entire album has to be Mama. It's a really beautiful song. It's a really, really beautiful song. It's just touched my heart. And aaj ki usme se to I think Gum Ko Vata is going to be my top pick from today's list. But overall mein, I think Mama becomes my favorite from this album. I definitely want to know your top three. My top three, very difficult. See, agar top three, matlab main aankh band karke bolu to Mama, My Time and Free Verse Phase 2 ho jayega. But I also definitely want to put Gum Ko Vata in the list. Jawab De also, because I really like that song. Hai Tu Kaun, again, very different. And Believe, jo maine aaj suna, abhi thode der pehle, jo last gaana bhi maine suna. But मतलब अगर मतलब गन टू माई हेड कि नहीं आपको तीन ही गाने सुनने हैं पूरे एल्बम में से, माई टाइम आई वॉन्ट चूज, यू नो वॉट आई एम गोना चूज फोर सॉन्ग्स. इवन दो गन टू माई हेड आई विल बी लाइक मामा, फ्री वर्स फीस टू, माई टाइम एंड प्रोबेबली गम को वटा. सो आई डोंट नो, लाइक at least those would be my top picks from this album. I definitely want to know yours. And now, yo guys, let's just watch the Free Verse Feast 2 video. I'm really excited to watch this video because, you know, jab maine gaana suna tha, I was like, iska video to banna chahiye. So yeah, let's watch the video. Anyway, banta hai. Maloom hai na. हाँ चार्ज होके चलो ये सारे चलेंगे बैटरी पे, साथ वाले गुड वाइब तेरे वाले बैटरी पे, फैक्ट्री पे भरे पड़े फैक पे फैक, तेरे हिट देते आया हूँ मैं बैक टू बैक, नाउ द फैक्ट धीरे से करूंगा शुरू तभी तू बनूंगा गुरु, कभी ना कभी ना गुरु करूंगा. ओह आई लव दिस ग्लिच. मैं देखो ना मुड़के रहता हूं काफी जमीन से जुड़ के, नहीं जीते गुट के हम जीते उठ के, ये नल्ले रैपर मेरे एक एक मुट्ठी जहां दो का वहां से निकलते दुख के, कुछ ना सीखा अंदर से टूट के. रिप्रेजेंटिंग इंडिया बिच आई एम स्ट्रेट आउट ऑफ हेल, रिप्रेजेंटिंग इंडिया बिच आई एम स्ट्रेट आउट ऑफ हेल. यहां बाजी पलटी बातें कल की करूंगा नहीं खड़ा बीफ करना चाहे मैं तो बेटा लड़ूंगा नहीं सड़ूंगा नहीं किसी से, मैं लिख ले पैसे की दुनिया है सब लोग यहां गेले से गेले तरीका मेरा तभी तो देख गेले, कभी का बोला था मैंने बारी मेरी आने वाली मिला मुझे सब अभी कभी नहीं आने वाली, छोड़ के तेरे को छोड़ के करूं बात, मैदान में बैठे ले आ बेटा दिन रात बैठे ले बिना सारा नहीं बिना समझा क्या लाला फूके ले काला गले जब दाढ़ के सने से निकला मैं तो जरा मैं तो खुद को बेचारा कभी बोलो किल्ड इट इन द सॉन्ग मैन.
ज्यादा ज्ञान ले ले Representing India bitch I'm straight out of hell Representing India bitch I'm straight out of hell Representing India bitch I'm straight out of hell Entofil Give me the beat I'm gonna kill huh? करा मैंने जितना भी मुझको हमेशा लगी कम अब तुझको क्या लगे मुझे फर्क मेरा लन मेरा गन मेरे मुंह में गोली बारी होने लगा बेटा मेरे फ्लो में गाने में हमेशा लगा बेस्ट परफॉर्मेंस बोरिंग अप और आई लिव इन द मोमेंट आई एम ड्रॉपिंग ऑल ऑफ द फॉर योर कमेंट रात पूरा काम करा हो गया मॉर्निंग ए रैपर द मॉर्निंग दे दिले शॉट स्टिल आई एम नॉट रियलिंग ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड ऑर्गेनिक लव है तुम लोग का पार्ट बंडा की पब्लिक से भिड़ेगा था अल्टर सल्टर कोई भी नहीं तेरे लड़क करे मैं मेरा सोचू बाकी ये रैपर लोग मुंह खोले कट्टर है उन लोग से बदतर है बंडा है मालूम है ना तू पिसल का साबुन है बा क्या बोलते मां बिगरी घुमा देंगे किंगरी से लोग से ना बात करे जरूरत है बूटी तो दरवाजा नॉक करे अपन तो गाने में टॉक करे रैप के पे टॉप करे क्या बोले भाई तेरा जॉब पर है जाने नहीं देता मैं ऐसे आसानी से कुछ बोलेंगे मेरे बारे तो पाने से करूंगा I love how he switched his pitch so fluently once again this is the part I really like chopper ke baad oh wow so well done इतिहास में जब मैं और मेरे क्रू मैंने क्यों इग्नोर किया हेट क्योंकि प्यार मुझे भाई और बने मेरे जिन्हें भाई बोला भाई ने भाई लिया लेकिन अपन दाई वाले भाई आज भी एक मेरे सैंग मेरा भाई तू नहीं तेरा भाई तेरे को लग लिया गाय उड़ रहे सोच में म्यूजिकल लाए मेरी कला है लाइफ में मेरे कला हक से मैंने कमाया तीन हफ्ता गाना नहीं डाला तो पब्लिक ने बोला कि गाना कमाया समझ में आया क्या किसका डिमांड है सबर तो कर बेटा सबका रिमांड है गाने में दे देते करते नहीं कांड है जगह नहीं दूंगा मैं बहुत बड़ी गांड Okay, I want to know what this means. I eat rappers, cause I'm a motherfucking beef rapper, sneeze rappers. Sabko malum hai, bahut neech rapper, galeech rapper, log ko bhao bhi nahi. Nahi, pe hu filhal ne, ab main khao bhi nahi, ghao bhi nahi, seedha war. They think they are so hard. Wo puchte kahan hai bars? Main bolu suck my balls, bitch. Talk to me nice, one more, tera vida loss. Hey, we keep on going, bas ek main ali ya boss. Ha, Rajdhani Express flow, mere restless, ruke bina rap kare, bhai tera breathless music, mere saath bhi nahi hote depressed, fir logon mein zyada kaise karega? Yes, I'm so happy. Though mera ek wish tha jab ye gana maine suna tha ki you know I want him to like sit on this high throne and then just you know spit fire. But theek hai, पीछे फायर था एटलीस्ट उतना तो मुझे मिल गया इस वीडियो में ही लुक्स आई ही हैज गॉटन रियली फिट हाँ एमी हैज गॉटन सो फ्रिकिंग फिट आई मीन यू कैन जस्ट सी द ट्रांसफॉर्मेशन दैट ही हैज गॉन थ्रू फिजिकली विच ऑल्सो सेज दैट यू नो ही इज अगेन यू नो ही सो सेल्फ अश्योर्ड एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ नथिंग इज अफेक्टिंग हिम एज फार एज आई सी हिम इन द पब्लिक पर्सोना I feel that yes, he has kept a very positive outlook and you know, he's just, you know, working on himself and all of that. So he told na, isne ek month ka hi break liya. Otherwise, that's what I have also known of him. He very consistent in putting out tracks after tracks, like song after song after song. So that way he has been extremely, extremely consistent. So great. I'm so happy there is a video for this. Yes. इसका तो चाहिए था मुझे वीडियो आई एम रियली हैप्पी सो येस दैट वॉज द यू नो फुल एल्बम लिसनिंग ऑफ एमीवे बंटाइज मालूम है ना हिज फर्स्ट फुल एल्बम बेसिकली सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्टली टू एमीवे फॉर पुटिंग आउट दिस एल्बम आई थिंक बंटाई की पब्लिक हैप्पी है संतुष्ट है एंड ऑफकोर्स ऑल द बेस्ट विशेज टू यू एमीवे फॉर फ्यूचर I hope you bring out more albums and you entertain your fans. I think my biggest takeaway from this album, even though मुझे सारे गाने नहीं जमे because कुछ गाने जो ऐसे हैं जो मैं सुनती नहीं हूँ उस टाइप के गाने मैं सुनती नहीं हूँ which has a very very like you know a commercial sound which I really don't vibe with those. That's just my own musical preference. But there are few songs over here. Which are just such bangers, man, such bangers. And for me, I think my biggest takeaway from this album is the variety that you gave in terms of the different genres. I mean, you sort of said that these are the kind of different genres that I can do. So take it or leave it, which is great. And once again, congratulations to Emiway for
for this album, for putting out an album. And yes, that was the reaction, you know, the conclusion, part two of Emiway's album listening, Maloom Hai Na. So do share in your thoughts in the comments below. I definitely want to know which song worked for you and which song did not work for you. Or sare gaane aapko acche lage, wo bhi mail aap please comments mein bataya mujhe zarur. So yes, I will be signing off now. That was the video for today, guys. I hope you enjoyed this reaction. And yep, I will see you soon now on my next video. Bye-bye.